22 सितंबर को अयोध्या से प्रारंभ हुई जगतगुरु शंकराचार्य की गौध्वज स्थापना शोभा यात्रा 24 अक्टूबर को शिमला पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाना है। शिमला में श्री शंकराचार्य स्वागत समिति ने पत्रकार वार्ता कर इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि 24 अक्टूबर को जगतगुरु शंकराचार्य की यात्रा शिमला पहुंचेगी और गौ महासभा को जगतगुरु शंकराचार्य संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों से होते हुए शिमला पहुंचेगी। धर्म आयोजन के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी यात्रा के आयोजन से भारतीय समाज में गौ माता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना है। हिमाचल की राजधानी शिमला, इसमें ये जो यात्रा है ये 24 अक्टूबर को आएगी। 24 अक्टूबर को शंकराचार्य भगवान यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 12 बजे से 3 बजे तक ये गौ महासभा का आयोजन करेंगे और उसमें एक प्रस्ताव पारित करेंगे और सभी लोगों को संबोधन देंगे कि देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और गोहत्या बंदी एक केंद्रीय कानून लागू हो, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखा जाए और इसी के साथ एक पूरे भारत के लिए एक ही नियम लागू किया जाए। ये नहीं चलेगा कि अब अमुक अमुक राज्य अलग अलग नियम लगाएंगे, एक कानून बनेगा, एक नियम बनेगा। तो इसके लिए शंकराचार्य जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक सभा करेंगे। अभी रिसेंटली इसी गोधर स्थापना भारत यात्रा के कारण एक बड़ी भारी घटना देश के अंदर घटी है, वो ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने गाय को, गौ माता को इसी अभियान को देखते हुए राज्य माता का सम्मान दिया है। आपने मीडिया के सामने जब चीज सुनी होगी तो शंकराचार्य जी को उन्होंने बुलाया, आपने यहां पर उनके चरणों पर उस प्रस्ताव को रखा जिसमें देशी गौ माता को उन्होंने राज्य माता का सम्मान दिया। तो सोचिए हर चीज का काम हो रहा है, लेकिन हमारे सनातनियों को एक होना पड़ेगा, गौ माता के लिए भावना से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें प्रकृति को बचाना है, हमें धरती को बचाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है, अपनी खेती को बचाना है, अपने आप को बचाना है, यहां तक कि मानव सभ्यता को बचाना है, तो आपको गाय की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इससे बड़ी खेती कोई अच्छा नहीं कर सकती। आज रिसर्चर्स कहती हैं कि आप यज्ञों के द्वारा एयर पॉल्यूशन को दूर कर सकते हो, जो आज दिल्ली के अंदर 400, आप तो हिमाचल, हम लोग तो उत्तराखंड के लोग हैं, अच्छे क्षेत्रों में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अच्छा है यहाँ की जलवायु, लेकिन जिस जगहों पे प्रदूषण बढ़ रहा है वहां के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए गाय का योगदान है उसमें यज्ञ के माध्यम से। तो इसी तरह से किसी भी चीज में आप चले जाएंगे, गौ माता से हम इस देश में जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है, आज ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने की बात की जा सकती है, आज वो हर काम आज गाय के आधार पर होता है। हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था को उसमें बना सकते हैं, हर चीज गाय माता के प्रिजर्वेशन से हो सकती है, लेकिन सबसे पहले शंकराचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि देश में बस अब गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, क्योंकि अब इसको सहा नहीं जाएगा, अब कोई भी सनातनी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए, हम हमेशा इस देश में संघर्ष करते गए, आंदोलन करते गए, सरकारों को लाते गए, हर पार्टी की सरकार को लाए, हर को हमने देख लिया, लेकिन जो गाय के लिए काम नहीं कर सकता वो हमारा नहीं हो सकता। ये शंकराचार्य भगवान ने पूरे भारत पर निश्चित तौर से सब सनातनी जनता के बीच में बात को रख दिया है। शंकराचार्य भगवान ने कालड़ी से खड़े होकर संपूर्ण भारत में एक दिग्विजय यात्रा निकाली थी, ऐसी आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग पूरे भारत की परिक्रमा कर रहे हैं और पूरे सनातनियों को गाय के लिए कर रहे हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गाय के लिए एकीकरण होने वाला है और इतना जबरदस्त एकीकरण होगा जो भारत के इतिहास में कभी नहीं घटा है, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा जब जब खड़ी होती है और जब जब उसका काम चालू होता है तो उसका प्रभाव समाज में और उसका प्रभाव सरकारों में हर जगह पर एक समान दिखाई देता है। इसी क्रम में जो कार्य महाराष्ट्र की जो विधानसभा ने किया, सरकार ने किया, ये अमुक अमुक प्रदेशों की सब सरकारें करें। और जैसे आपको ये भी पता होगा कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है, अपना उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां दोनों राज्यों से गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए एक प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दोनों पार्टियां सम्मिलित हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, क्योंकि हमारा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी एक विधायक है, आपको हैरानी होगी, सीपीआई का। तो कहने का मतलब ये है हम पार्टियों से नहीं बंधे हुए हैं, हमारा विचार इतना सा है कि गाय के लिए, गौ माता के लिए, सनातन धर्म के लिए जो भी व्यक्ति कार्य करेगा और हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबको एक करेंगे, लेकिन अब की बार काम गौ माता का होगा और होकर ही रहेगा। तो जब शंकराचार्य जी भगवान शिमला पर आए तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप शिमला पर सभी सनातनी उपस्थित हों, सभी लोग एकीकृत हों।